अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महस किचन। बेहतरीन और लजीज खाने के लिए मेरा चैनल सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन दबाकर और इस बेल आइकन को। आज मैं आपके साथ मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को गलाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है। इसमें 1/4 किलो गोश्त डाल रही हूँ मैं बकरे का। 1 चम्मच नमक डालूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, इसमें कोई पानी नहीं शामिल करेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करेंगे और इसको हम रख देंगे हाई फ्लेम पे, इसमें कोई पानी नहीं शामिल करेंगे। अब इसको 1 सीटी आने तक हम पकाएंगे। तो देखें 1 सीटी आ चुकी है इसमें। अब जो है हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसकी जो विसल है इसको उठाएंगे नहीं। मटन बिरयानी के मसाले के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 7 बड़ी वाली प्याज जिसको स्लाइस करके रखा हुआ है, 1 कप दही लिया हुआ है गाढ़ा वाला दही, 4 आलू लिए हैं जिसको छील के इस तरीके से काट के रखा हुआ है छोटे, 7 टमाटर लिए हुए हैं जिसको रफली चॉप किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिया है 20 हरी मिर्च जिसको 20 में से चीर लिया है, और धनिया के पत्ते, और 2 कप तेल ले लेंगे। अभी हमें कुछ मसाले चाहिए। पहले हमें चाहिए अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून भर के, 1/2 चम्मच चाहिए जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार एनाइस, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े। नमक चाहिए एज पर टेस्ट। के साथ पुदीना चाहिए तकरीबन 1 कप। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम 2 कप तेल शामिल करेंगे। सबसे पहले हम जो आलू काट कर रखे हुए हैं इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे आलू को डाल दिया है। आलू डालने के बाद हम इसको चम्मच से चलाएंगे और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसी तेल में हम शामिल करेंगे गरम मसाले, इलायची, लौंग, स्टार एनाइस, दालचीनी और बड़ी इलायची। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसमें आलू, गोल्डन हो जाए इस तरीके से, तो हम इसे निकाल के एक बर्तन में रख लेंगे। प्याज डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको इस तरीके से चम्मच चलाकर हमको गोल्डन कर लेना है। इस तरीके से सुनहरी हो जाएगी। तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 20 मिर्चें ली है जिसको बीच में से चीर लिया था। मिनट हमने मिर्ची को फ्राई कर लिया है। इसमें डालेंगे अब टमाटर, इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसी के साथ में डाल देंगे हमारे जो मसाले हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक वगैरह। देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं हल्के से नरम हो गए हैं। इसमें हम डाल देंगे फिटी हुई दही, दही को थोड़े चम्मच से हम फेंट लेंगे फिर डाल देंगे, और इस टाइम पे हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करके पका लेंगे हम दही को। थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं कि तेल अलग हो गया है। अब जो है हमारा गोश्त गल चुका है, तो यहाँ पे मैंने ढक्कन को निकाल दिया है और अब देख सकते हैं इसमें खुद पानी रिलीज हुआ है। अब जो हमारा मसाला है इसमें हम डाल देंगे गोश्त और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसके कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और नमक। इसमें मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक और डाल दिया इसमें और अच्छे से मिक्स।
तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो तेल है छूट चुका है, मतलब मसाला हमारा तैयार है बिरयानी का। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप, और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी, मसाले को अलग बर्तन में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है तकरीबन 1 किलो, 1.25 किलो गोश्त के लिए, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। और हम पानी में डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले है लिया हुआ कुछ गरम मसाले, बड़ी इलायची 1 और 2 छोटी इलायची, पुदीना के पत्ते, कुछ लौंग, काली मिर्च तकरीबन 15, दालचीनी और 1 स्टार एनाइस, और नमक पानी के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून लिया हुआ है। तो सबसे पहले जिसमें मैंने मसाला बनाया था उसी बर्तन में मैंने पानी डाल दिया हुआ है, और हम ये मसाले डाल देंगे इसके अंदर और इससे उबलने के लिए छोड़ देंगे पानी को। कवर कर दिया था तो देख सकते हैं आप इसमें पानी में उबाल आने लगा है। अब जो हमारे भिगोए हुए बासमती चावल हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसको मैं आधा ढक रही हूँ और पका रही हूँ हाई फ्लेम पे। जो चावल है इसमें उबाल आने लगा है और इसको 2 मिनट हो चुका है पकते हुए। मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया था। चावल चेक करेंगे तो देखते हैं, इस तरीके से मैंने एक चावल का दाना लिया था, ये 2 टुकड़े में टूट गया। तो इसको मैं अभी इस तरीके से छान रही हूँ, एक दूसरे बर्तन में बड़े वाले निकालेंगे इसको। मैंने गैस जो है बंद कर दिया है और इस तरीके से मैं बर्तन में चावल निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं पानी जो है हमने ज़रा भी रखना नहीं है इसमें। मैंने इसको उबाला था उसी में मैंने इसको डाल दिया था मसाले को। अब जो तेल जो है छूट चुका है तो मैं इसको इस तरीके से एक दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी रेडी है, उबले हुए चावल भी रेडी है। तो सबसे पहले हम बर्तन जिसमें दम देना है उसमें मैंने चावल की एक तह बनाई है इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारा मटका ग्रेवी है। तो देखें आप इस तरीके से डाल देंगे, उसके बाद में हम एक चावल की और एक तह लगाएंगे। आने के बाद इसको हम लेवल कर लेंगे। और इस तरीके से मैं टमाटर के स्लाइसेस रख रही हूँ, आप चाहे तो नींबू के स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अब जो हमने तेल निकाला हुआ था उसको हम इस तरीके से चावलों के ऊपर डालेंगे, जिस तरीके से उसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और टेस्ट आ जाएगा। कुछ पुदीना और धनिया के पत्ते टॉप किए हुए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। और मैं तकरीबन 2 चम्मच तेल इसमें और शामिल कर रही हूँ। तो अभी हमारे जो चावल है सब रेडी है। ये ढक्कन लिया है मैंने, इसके ऊपर मैं न्यूज़पेपर रख रही हूँ उस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। आप देखें इस तरीके से पूरे एज धुआं जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने हाई फ्लेम पे जो हमारी बिरयानी है इसको दम के लिए रख दिया है। इस तरीके से मैंने पेपर को फोल्ड किया हुआ है और एक बर्तन में पानी रख कर इसके ऊपर रख दिया है। 2 मिनट बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे इस तरीके से। बाद हमने ढक्कन खोला है तो देखें स्टीम जो है बिल्कुल अंदर ही थी, इसलिए ज़बरदस्त सी स्टीम निकल रही है। अब जो है हमारी बिरयानी आप देखेंगे चावल किस तरीके से खुले खुले बने हुए हैं, देखें ज़बरदस्त हमारी मटन बिरयानी तैयार है। ट्राई करें ये ज़बरदस्त मज़े की मटन दम बिरयानी, और
एंजॉय करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शेयर करें ये मेरी रेसिपी और लाइक करें। देखें ज़बरदस्त हमारा जो मसाला है वो भी बिल्कुल मज़े का लग रहा है और हमारे चावल भी मज़े के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। बाय। टेक केयर।